हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पांच स्टेटमेंट दिए हैं, रीड करके बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. कि इनमें से कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. फर्स्ट वन इज अ फ्लावर मे बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली. तो ये तो ट्रू है. यहाँ पे अगर हम देखें ये तो करेक्ट है, ट्रू लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है अगर तीन होगा तीन के मल्टीपल में तो क्या होगा, ट्राइमेरस, चार के मल्टीपल में टेट्रामेरस, पांच के मल्टीपल में पेंटामेरस. सही है. ब्रैक्ट आर रिड्यूस लीव्स, ये सही दिया हुआ है. ब्रैक्ट अगर हम देखें ये क्या होता है, फ्लावर में अगर हम देखें रिड्यूस लीव जैसा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा कहाँ पे, जैसे कि ये जो है यहाँ पे ये फ्लावर है, ये क्या है, ये फ्लावर है. तो फ्लावर का ये जो स्टॉक है, ये जो पिडंकल है, इसके यहाँ पे अगर हम देखें ये जो प्रेजेंट है ऐसे रिड्यूस लीव लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है, ये ब्रैक्ट है. तो अगर हम देखें ये ट्रू है. अ फ्लावर हैविंग इधर ओनली स्टेमेंस और ओनली कार्पल्स इज यूनिसेक्शुअल, सही दिया हुआ है. यूनिसेक्शुअल फ्लावर जो होगा वो किससे बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है. अगर फ्लावर में स्टेमेन है तो वो मेल फ्लावर है, और अगर उसमें फीमेल है तो वो क्या होगा, कार्पल जो होगा तो वो क्या होगा, वो फीमेल फ्लावर है. तो ये ट्रू है. इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, हैंस द ग्रोथ इज अनलिमिटेड. सो ये क्या है, ये फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो है ये साइमोज में क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस में अगर हम देखें यहाँ टर्मिनल फ्लावर आ जाने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो जाता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें लिमिटेड ग्रोथ है, तो ये तो फॉल्स है. कोरोला मे असिस्ट इन पॉलिनेशन, ये तो सही दिया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कोरोला जो है जो पेटल्स है डिफरेंट कलर के होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होंगे, और उसकी वजह से क्या होता है, एक तरह से पॉलिनेशन मीडिएट कर रहे हैं वो जब उसके पास आ रहे हैं. तो इनमें से कितने फॉल्स है इनकरेक्ट, एक ही इनकरेक्ट है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, दिस फर्स्ट वन, एक ही इनकरेक्ट है, दो नहीं तीन नहीं देन चार नहीं, करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.